हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ हेयर स्टाइल जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर ऑफिस जाते हैं तो आप ये हेयर स्टाइल बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटू सा बेल बटन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपके फोन पे वो तुरंत आ जाए और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये हेयर स्टाइल मैंने कैसे बनाई है तो चलिए फिर वीडियो में मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहली फर्स्ट हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमें बैक साइड से अपने थोड़े से बाल निकाल लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक हमें दोनों चोटियां दोनों तरफ सिंपल सी बना लेनी है। उसके बाद बचे हुए बालों को हमें रबर बैंड की हेल्प से एक पोनीटेल बांध लेनी है। अब जो हमने ये दो चोटियां बनाई थी उसे हमें एक टिक टैक पिन की हेल्प से एक हेयर बैंड की तरह लगा लेना है। इसी तरह सेम प्रोसेस से हमें दूसरे वाली भी चोटी को दूसरी साइड में टिक टैक या फिर बॉबी पिन से लगा लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारी पहली हेयर स्टाइल बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी दूसरी हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमें एक साइड के अपना बाल लेना है, उस सेक्शन को हमें रोल करते हुए ट्विस्ट करके थोड़ा सा पुश करके पीछे पिन लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। इसी तरह हमें दूसरा सेक्शन लेकर के भी रोल रोल करके उसमें पिन लगा लेंगे। आप चाहें तो केवल एक ही साइड बना लें ऐसा, और अगर चाहें तो आप दूसरे साइड भी इसी तरह सेम प्रोसेस से हमें अपने बालों को ट्विस्ट करते हुए पिन लगा लेनी है। ये लुक एकदम कैट लुक लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी हेयर स्टाइल भी बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, अब हम थर्ड हेयर स्टाइल बनाने के लिए अपने फ्रेंड के बालों को कुछ इस तरह से अलग निकाल लेंगे। अब हम बैक से थोड़े से बाल लेकर के एक पफ क्रिएट करेंगे और इसे हम एक टिक टैक पिन से सिक्योर कर लेंगे। आप चाहें तो बॉबी पिन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने फ्रंट साइड में आगे बाल निकाले थे उसे भी हम ट्विस्ट करते हुए बॉबी पिन या फिर टिक टैक पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी थर्ड हेयर स्टाइल तैयार हो चुकी है। फोर्थ हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमें साइड पार्टिंग कर लेनी है। अब हमें बालों का एक सेक्शन लेना है और उसे भी पहले वाले हेयर स्टाइल की तरह रोल रोल ट्विस्ट करते हुए हमें पीछे पिन से सिक्योर कर देना है। सेम प्रोसेस करते हुए हमें दूसरा बालों का सेक्शन लेना है, उसे भी हमें रोल रोल ट्विस्ट करना है और एक टिक टैक पिन से सिक्योर कर देना है। ये हेयर स्टाइल आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत ही सिंपल और ईजी है। तो हमारी फोर्थ हेयर स्टाइल भी बिल्कुल तैयार है। पांचवी हेयर स्टाइल बनाने के लिए मैंने यहां बीच से पार्टीशन किया है। अब मैं यहां बालों का एक सेक्शन लूंगी और उसे कॉम से बैक कॉम करते हुए टिक टैक पिन से पीछे सिक्योर कर दूंगी। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी वही प्रोसेस करते हुए अपने बालों के सेक्शन को ट्विस्ट करते हुए टिक टैक पिन से सिक्योर करना है बालों को। और इसी तरह पूरे बालों में हमें एक साइड पे तीन ट्विस्ट और दूसरे साइड पे तीन ट्विस्ट, टोटल 6 ट्विस्ट बनाते हुए हमें पूरी हेयर स्टाइल को तैयार करना है। इस हेयर स्टाइल को आप किसी भी शादी पार्टी या फिर किसी फंक्शन में भी बना सकती हैं। ये बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल लगती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारी फिफ्थ और लास्ट हेयर स्टाइल बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आपने देखा कितना अच्छा और इजी तरीके से मैंने आपको ये हेयर स्टाइल बताई। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अब तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, ये हेयर स्टाइल आपको हेल्पफुल लगी है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स, बहनों और सहेलियों में सबको इसको शेयर करिए, जिससे ये हेयर स्टाइल उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सके। फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपको बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।